प्यारे बच्चों, भाग 8 नई उमंग हिंदी का दूसरा पार्ट मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए, सुनिए, देखिए। पाठ 2। पाठक चक्रवर्ती ने अपने मोहल्ले के लड़कों का नेता था। वह सबकी आज्ञा मानते थे। यदि कोई उसके विरुद्ध हो जाता तो उस पर आफत आ जाती। सब मोहल्ले के लड़के उसको मारते थे। आखिरकार बेचारे को विवश होकर पाठकों से क्षमा मांगनी पड़ती। एक बार पाठक ने एक नया खेल सोचा। नदी के किनारे एक लकड़ी का बड़ा लट्ठा पड़ा था, जिसकी नौका बनाई जाने वाली थी। पाठक ने कहा कि हम सब मिलकर उस लट्ठे को लुढ़काएं। लट्ठे का स्वामी हम पर क्रुद्ध होगा और हम सब उसका मजाक उड़ा कर खूब हंसेंगे। सब लड़कों ने उसका अनुमोदन किया। जब खेल आरंभ होने वाला था तो पाठक का छोटा भाई मक्खन बिना किसी से एक भी शब्द कहे उस लट्ठे पर बैठ गया। लड़के रुके और एक क्षण तक मौन रहे। फिर एक लड़के ने उसको धक्का दिया, परंतु वह न उठा। यह देखकर पाठक को क्रोध आया। उसने कहा, मक्खन, यदि तू न उठेगा तो इसका बुरा परिणाम होगा। किंतु मक्खन यह सुनकर और आराम से बैठ गया। अब यदि पाठक कुछ हल्का पड़ता तो उसकी बात जाती रहती। बस उसने आज्ञा दी कि लट्ठा लुढ़का दिया जाए। लड़के आज्ञा पाते ही 1 2 3 कहकर लट्ठे की ओर दौड़े और सबने जोर लगाकर लट्ठे को धकेल दिया। लट्ठे को फिसलता और मक्खन को गिरता देखकर लड़के बहुत प्रसन्न हो गए। किंतु पाठक कुछ भयभीत हुआ, क्योंकि वह जानता था कि इसका परिणाम क्या होगा। मक्खन पृथ्वी पर से उठा और पाठक को लाते और घूसे मारकर घर की ओर रोता हुआ चल दिया। पाठक को लड़के के सामने इस अपमान से बहुत खेद हुआ। वह नदी किनारे हाथ धोकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने पाठक के समीप आकर पूछा, पाठक, चक्रवर्ती कहाँ रहता है? पाठक ने उपेक्षा भाव से बिना किसी और संकेत हुए कहा, वही, और फिर घास चबाने लगा। उस व्यक्ति ने पूछा, कहाँ? पाठक ने अपने पांव फैलाते हुए उपेक्षा से उत्तर दिया, मुझे नहीं मालूम। इतने में उसके घर का नौकर आया और उसने उसे कहा कि पाठक, तुम्हारी माँ तुम्हें बुला रही है। पाठक ने जाने से इनकार कर दिया, किंतु नौकर चूँकि मालकिन की ओर से आया था, इस वजह से वह उठकर जबरदस्ती मारता हुआ ले गया। पाठक जब घर आया तो उसकी माँ ने क्रोध से आकर पूछा, तूने मक्खन को फिर मारा? पाठक ने उत्तर दिया, नहीं तो। तुम्हें किसने कहा? माँ ने कहा, झूठ मत बोल, तूने मारा है। पाठक ने फिर उत्तर दिया, नहीं, यह बिल्कुल असत्य है। तुम मक्खन से पूछो। मक्खन चुकी कह चुका था कि मुझे मारा है, इसलिए अपने शब्द कायम रखे और दोबारा फिर कहा, हाँ हाँ,
तुमने मारा है। यह सुनकर पाठक को क्रोध आया और मक्खन के समीप आकर उसने मारना आरंभ कर दिया। उसकी माँ ने उसे तुरंत बचाया और पाठक को मारने लगी। उसने अपनी माँ को धक्का दे दिया। धक्के से फिसलते हुए उसकी माँ ने कहा, अच्छा तो तुम अपनी माँ को भी मारना चाहता है। ठीक उसी समय एक अधेड़ आयु का व्यक्ति घर में आया और कहने लगा, क्या किस्सा है? पाठक की माँ ने पीछे हटकर आने वाले को देखा और तुरंत ही उसका क्रोध आश्चर्य में परिवर्तित हो गया, क्योंकि उसने अपने भाई को पहचाना और कहा, क्यों दादा, तुम यहाँ कैसे आए? फिर उसने नीचे की ओर झुकते हुए उसके चरण छुए। उसका भाई विशंभर उसके विवाह के पश्चात बंबई चला गया था। वह व्यापार करता था, अब कलकत्ता आ गया है। बहन से मिलने आया क्योंकि बहन के पति की मृत्यु हो गई थी। कुछ दिन तो बड़ी प्रसन्नता के साथ बीते। एक दिन विशंभर ने दोनों लड़कों की पढ़ाई के विषय में पूछा। उसकी बहन ने कहा, पाठक हमेशा बहुत दुख देता रहता है और बहुत चंचल है, किंतु मक्खन पढ़ने का इच्छुक है। यह सुनकर उसने कहा कि मैं पाठक को बंबई ले जाकर पढ़ाऊंगा। पाठक भी चलने को तैयार हो गया, सहमत हो गया। माँ के लिए यह बहुत हर्ष की बात थी, क्योंकि वह सर्वदा डरा करती थी। पाठक एक दिन या प्रतिदिन मामा से पूछता था कि तुम किस दिन चलोगे। आखिर चलने का दिन आ गया। उस रात पाठक से सोया भी न गया, सारा दिन जाने की खुशी में इधर उधर फिरता रहा। अपनी मछली पकड़ने की हत्थी, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े और बड़ी पतंग भी मक्खन को दे दी, क्योंकि उसे जाते समय उससे सहानुभूति सी हो गई थी। मुंबई पहुंचकर पाठक अपनी मामी से पहली बार मिला। वह उसके आने से कुछ प्रसन्न न हुई, क्योंकि उसके 3 बच्चे ही काफ़ी थे। एक और चंचल लड़के के आ जाना उसके लिए विपत्ति थी। ऐसे लड़के के लिए उसका अपना घर ही स्वर्ग होता है। उसके लिए एक नए घर में नए लोगों के साथ रहना बहुत कठिन था। पाठक को यहाँ पर सांस लेना कठिन हो गया। वह रात को प्रतिदिन अपने नगर के स्वप्न देखा करता और वहाँ जाने की इच्छा करता। उसको वह स्थान याद आता जहाँ वह पतंग उड़ाता था और जहाँ जब कभी चाहता जाकर स्नान करता था। माँ का ध्यान उसे दिन रात विकल करता था। उसकी सारी शक्ति समाप्त हो गई। स्कूल में उससे अधिक कमज़ोर कोई विद्यार्थी न था। जब कभी उसका अध्यापक उससे कोई प्रश्न करता तो वह मन खड़ा हो जाता और चुपचाप अध्यापक की मार सहन कर लेता। जब दूसरे लड़के खेलते तो वह अलग खड़ा होकर घरों की छतों पर देखता रहता। एक दिन उसने बहुत साहस करके अपने मामा से मालूम किया कि मामा जी, मैं कब तक घर जाऊंगा? मामा ने उत्तर दिया, ठहरो, जब तक कि छुट्टियां न हो जाए। तो प्यारे बच्चों, आज इतना ही। इसको घर पर पढ़िए। इसके अगला दिन मैं फिर बताऊंगा, जो संभव होगा पढ़ा के फिर क्वेश्चन आंसर करवा दूंगा। धन्यवाद। मैं शंकर जी।